हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं 10th के पेपर्स स्टार्ट हो चुके हैं। 27th को इंग्लिश का पेपर हो चुका है और 10 मई को जो है वो आपका साइंस का पेपर है। तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनका रिवीजन नहीं हो पाता है या फिर जिनके चैप्टर्स कंप्लीट नहीं होते हैं, और इस टाइम पे वो पैनिक होते हैं कि अब हम पेपर कैसे करें। आता है तो पूरा चैप्टर्स नहीं आते कंप्लीट तरीके से, ठीक है। तो बहुत सारी परेशानी है, बहुत सारी परेशानी है, सबको कुछ ना तो कुछ प्रॉब्लम ज़रूर ही रहती है। हाँ, मुझे भी था जब मैं 10th क्लास में था, ठीक है। तो हमें प्रॉब्लम्स पे बात नहीं करनी है, हमें करनी है सॉल्यूशन पे बात। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है कि जो साइंस में टोटल आपके 7 चैप्टर्स आ रहे हैं, और जो 7 चैप्टर्स है वो कुछ ये है: चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 12, चैप्टर 13 एंड चैप्टर 15, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम वो चैप्टर 4 कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड करेंगे। कौन सा चैप्टर? चैप्टर 4 कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड। तो मैंने कुछ ऐसा शेड्यूल बनाया कि जो आपके पास अभी 10 डेज है टोटल, ठीक है। तो मैंने सोचा है कि जो मैं वन वन चैप्टर्स के वन शॉट बना के आपको दूंगा, और आई होप कि जो उस वन शॉट में आपको सारा एक्यूरेट समझ में आएगा और फिर दोबारा बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी मदद से। और टेलीग्राम में मैं अपना नीचे जो है वो लिंक दे दूंगा, उसमें जाके आप क्या कर सकते हैं, इसकी जो है मैं नोट्स भी, एक हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे ईजीली आप उसमें से पढ़ सके। और नोट्स कुछ ऐसे मैंने बना रखा है, ऐसे डिज़ाइन किया है कि जो नोट्स बहुत छोटे हैं, ठीक है। नोट्स हैं तो बहुत छोटे, बट आपको ईजीली, अगर मेरी वीडियो देखते हो देन ये नोट्स पढ़ते हो तो ईजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो नोट्स ही है। तो ज़्यादा बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है, हमें वन शॉट देना और कम से कम टाइम में हमें ये चैप्टर 4 कंप्लीट करना है। तो नाउ गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। चैप्टर का नाम है जैसे कि चैप्टर 4 कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो कार्बन क्या है, हाइड्रेट्स कंपाउंड। नहीं पता है तो मैं सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन ही देने वाला हूँ, ठीक है। फर्स्ट, कार्बन हाइड्रेट्स कंपाउंड। कार्बन क्या होता है? कार्बन एक नॉन मेटल है। क्या है? कार्बन एक नॉन मेटल है। अच्छा, तो कार्बन पीरियोडिक टेबल में पाया कहाँ जाता है, कौन से नंबर में, कौन से ग्रुप में, कौन से पीरियड में, अगर ये हमें सबसे पहली चीज़ पता होनी चाहिए। तो जैसे कि आपका 5th चैप्टर यही पीरियोडिक टेबल वाला है, ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे कि हम देख सकते हैं जो कार्बन की जो लोकेशन है पीरियोडिक टेबल में, वो है ग्रुप ग्रुप नंबर 14। ग्रुप नंबर 14 का ये फर्स्ट एटम है, क्या फर्स्ट एलिमेंट है, और पीरियड नंबर 2nd में, ठीक है। तो क्या है पीरियोडिक टेबल में इसका लोकेशन, क्या है? पीरियड नंबर 2nd एंड ग्रुप नंबर 14, एंड ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट नंबर 1st। आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। और एक बात बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे लेटेस्ट वीडियो जो भी आए वन शॉट की आपको फटाफट प्रोवाइड हो जाए, ठीक है, और आप जल्द से जल्द क्या करें, रिवीजन कर सके। तो इसके बाद कार्बन का बारे में हमने समझ लिया, इसका क्या है, कार्बन एक नॉन मेटल है, पीरियोडिक टेबल में कहाँ लाई करता है, पीरियोडिक टेबल में ये जो है ये ग्रुप 14 का फर्स्ट एलिमेंट है, एंड कहाँ पे लाई करता है, पीरियड नंबर 2 में, ठीक है। और जो इसका एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 6। यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ भी है, एटॉमिक नंबर क्या है, 6, एंड इसका जो एटॉमिक मास है वो क्या है, 12, ठीक है। तो अब हम कार्बन के बारे में, नॉर्मल जो इंट्रोडक्शन होता है वो मैंने दे दिया। अब कंपाउंड्स, कंपाउंड्स क्या होते हैं, और यहाँ पे लिखा है एंड इट्स कंपाउंड्स। कंपाउंड, सबसे पहले हम कंपाउंड समझेंगे, कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड जो होता है, व्हेन टू एंड मोर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या और एलिमेंट्स आर कंबाइंड केमिकली टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड कंपाउंड। इतना समझ में आ चुका होगा कि जो कंपाउंड जो है वो कैसे बनता है, जब हम दो
या फिर दो से ज्यादा और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट्स को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, कैसे, केमिकली। केमिकली का मतलब है यहाँ पे बॉन्डिंग, जैसे आयनिक बॉन्ड से, कोवेलेंट बॉन्ड से, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से, ठीक है। देन वो जो नया सब्सटेंस फॉर्म करता है उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं, क्या, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो मेनली हम किसके कंपाउंड्स पढ़ेंगे इस चैप्टर में, कार्बन के, और हमें दूसरा कोई कंपाउंड नहीं पढ़ना है। दोस्तों ये चैप्टर बहुत इजी है, आप बस मेरे साथ ऐसे बने रहें, इस वन शॉट को पूरा देखें, मुझे नहीं लगता है आपको कोई डाउट आएगा। हाँ, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना डाउट जो है वो लिखें, मैं आपके डाउट के आंसर्स गारंटेड दूंगा, ठीक है। अब नाउ यहाँ से पहले अब मेन बातें कुछ मैं आपको बता दूँ, ठीक है। फर्स्ट कार्बन हमने पढ़ लिया, कार्बन क्या होता है, ठीक है। अब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर 4, मैंने ये बता दिया आपको, नॉन मेटल है पीरियोडिक टेबल में नंबर 2 पे, लाइक पीरियड नंबर 2 है, ग्रुप नंबर 14 है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 है ये, ठीक है। जनरल क्वेश्चन है, अगर वन वर्ड में हो सकता है तो आ भी सकते हैं, ठीक है। अब कंपाउंड्स भी बता दिया मैंने, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सबसे पहले आप ये समझो कि जो किसी भी एटम में क्या होता है, तीन चीज़ होते हैं, क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। किसी भी एटम में यही तीन चीज़ लाई करते हैं। अच्छा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ लाई करते हैं, वो करते हैं न्यूक्लियस में। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ लाई करते हैं, न्यूक्लियस में, ठीक है। किसी भी एटम के पास, ठीक है, किसी भी एटम के पास जहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स करते हैं, ठीक है, वो किस पे करते हैं, शेल्स पे। किस पे करते हैं, शेल्स पे। तो हमें पता है कि टोटल हाउ मेनी शेल्स, शेल्स के जो नंबर्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं, शेल्स के नंबर्स एंड नेम, के, एल, एम एंड एन, ये चार शेल्स होते हैं, ठीक है। तो हमें मेनली बात करनी है कार्बन की, तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए सिर्फ कार्बन का ही समझेंगे, ठीक है। कार्बन के पास जैसे हमने अभी एटॉमिक नंबर पढ़ा, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6, ठीक है, और मास नंबर क्या होता है, 12। आपको ये जरूर पता होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, एटॉमिक नंबर के। मींस अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन क्या होगा, वो भी 6 होगा, और इसके साथ जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इसी के इक्वल होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बचता है हमारा न्यूट्रॉन की, जो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाले, हो सकता है पेपर में आपको पूछ ले कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन, तो हम कैसे निकालें। तो ये देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा याद रखना एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, और उसी के बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होता है। तो कार्बन में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हुए, 6। अब हमें पता करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन भी आसान है, जैसे कि पता है हमें एटॉमिक नंबर कितना है, वो एटॉमिक, सॉरी सॉरी, एटॉमिक मास कितना है कार्बन का, 12। तो ये एटॉमिक मास आया कहाँ से, तो ये एटॉमिक मास दोस्तों ऐसे आया, कुछ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास के। तो अब मुझे लगता नहीं है आगे बताने की जरूरत है, लेकिन मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो 12 माइनस पी, पी हमारा क्या है, 6 है, तो 12 माइनस 6 क्या है हमारे पास, 6। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी आपका क्या आया, हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर आए। बस कार्बन ही एक ऐसा एटम है जिसमें आ चुका है ऐसा, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन सब क्या है, 6, और एटॉमिक नंबर भी 6, लेकिन एटॉमिक मास क्या है, 12। अब आपको ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन के पास। अब कार्बन का कुछ हम स्ट्रक्चर देखते हैं, देखो स्ट्रक्चर हम कुछ इस प्रकार बनाते हैं, कार्बन के पास कितने शेल है, दो शेल है,
ये वाला के और उसके बाद एल। अच्छा एक चीज याद रखना, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम, टोटल नहीं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एल शेल में कितने हो सकते हैं, 8 हो सकता है ठीक है, और के शेल में 2 हो सकता है। अच्छा ये न्यूक्लियस है ठीक है, इसमें क्या होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इस शेल पे रिवॉल्व करते रहते हैं ठीक है। तो कार्बन के पास कितने हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इलेक्ट्रॉन भरते कैसे वो देख लीजिए। हम इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार भरते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन इसमें टोटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं ठीक है, उससे ज़्यादा हम नहीं फिल करते। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, अब कितने बचे, 4 और फिल करने, तो 4 हम किस में, एल में करेंगे, 1, 2, 3 एंड 4 ठीक है। हमने टोटल 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, कार्बन का स्ट्रक्चर भी थोड़ा पता चल गया हमें। अब देखो अब होता क्या है, अब कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, ये कुछ उसी से रिलेटेड है। हमने क्या पढ़ा, केमिकली, क्या केमिकली कंबाइनिंग जो होता है वो किससे होता है, केमिकली। अब केमिकली क्या है, केमिकली बाय बॉन्डिंग, मैंने बताया बॉन्डिंग क्या होते हैं, 3 टाइप्स के बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। लेकिन आपके चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड जो कि कार्बन बनाता है। तो अब कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है, सबसे पहली चीज कोई भी इंसान जो है वो इंसान क्या, पूरे वर्ल्ड में हर कोई क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। ये आपको भी पता है, आप भी पढ़ क्यों रहे हो, क्यों हम स्टेबल हो जाए, आगे हमें कोई प्रॉब्लम ना आए ठीक है। तो ऐसे ही सारे एलिमेंट्स एटम भी क्या होना चाहते, स्टेबल होना चाहते, तो कार्बन भी स्टेबल होना चाहता। तो स्टेबल होने के लिए इन्हें करना पड़ता, करना क्या पड़ता है, तो इन्हें स्टेबल होने के लिए जो इनका आउटर आउटर शेल होता है, क्या होता है आउटर शेल, उसमें वो क्या चाहते हैं, उनका जो मैक्सिमम नंबर हो। सबसे पहले कार्बन क्या सोचेगा कि जो मैं नोबल गैस सबसे स्टेबल होता है ना, तो नोबल गैस सबसे स्टेबल होता है क्यों, क्योंकि उसके पास सारे उसके शेल में फुल फिल इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती है। तो ऐसे कार्बन्स भी क्या चाहते हैं, कार्बन्स क्या अदर एलिमेंट्स भी क्या चाहते हैं कि जो वो क्या होना चाहिए, स्टेबल। स्टेबल के लिए अब उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें अपने आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन पूरे चाहिए, तभी वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे। तो अब आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, या तो किसी एटम के साथ शेयरिंग करेंगे, शेयरिंग मतलब वो अपने भी चार, अपने भी जो इलेक्ट्रॉन उन्हें चाहिए, मान लो कार्बन को क्या है 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर शेल को कंप्लीट करने के लिए, टोटल 8 होते हैं, 4 है, 4 और चाहिए। तो वो क्या कर सकता है, वो 4 किसी से शेयरिंग कर सकता है, मतलब अपने भी चार, जैसे दूसरा कार्बन ले लेते, ऐसा होता नहीं है क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखा होगा, मैं बता रहा हूँ। लाइक हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेते हैं, किसका, हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है। हाइड्रोजन के पास जैसे कि पता है आपको एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉन 1, न्यूट्रॉन 1, ओ सॉरी न्यूट्रॉन 0, प्रोटॉन 1, ये आपको पता हो। तो इलेक्ट्रॉन हमने बना दिया, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो अब ये एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये आपको पता होगा ठीक है, क्योंकि एक ही शेल होता है हाइड्रोजन के पास, एल शेल, तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसे क्या है, स्टेबल होने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के शेल कितना होता है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया अभी, कि जो एल शेल है हाइड्रोजन के पास, एक्चुअल में हाइड्रोजन के पास के शेल है, पहला शेल तो के है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, तो पहला शेल तो के है, तो के में टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, बट हाइड्रोजन के पास क्या है, ओनली 1 है। तो वो क्या कर सकता है, वो या तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो शेल उसका तो खत्म हो जाएगा, शेल खाली रहे तो ही बढ़िया है ठीक है, या तो खाली हो जाए, मान लो अगर कार्बन ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी को, तो ये क्या होगा, इसका शेल खाली हो जाएगा ये वाला, तो अच्छा है ना, ये वाला जो आउटर मोस्ट, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर के शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कार्बन के लिए आउटर मोस्ट कौन सा शेल है, एल, ओ आउटर मोस्ट शेल अभी एल है ठीक है। अगर ये शेल, इस शेल में से सारे इलेक्ट्रॉन हट जाते हैं ठीक है,
तो उसके पास आउटर मोस्ट शेल उसका कौन सा हो जाएगा, के शेल। और के शेल में क्या हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन है, मतलब के शेल में जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उतने हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो वो स्टेबल हो सकता है। तो या इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जो आउटर मोस्ट शेल में टोटल हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन नोबल गैस अटेंड कराना पड़ता है। मीन्स कि जो अगर एल शेल में टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है, तो 8 होंगे तभी वो स्टेबल होगा या फिर नोबल गैस अटेंड कर पाएगा। अगर कम है तो फिर हम क्या करते हैं, या तो अगर ज़्यादा कम है, जैसे मान लो टोटल 8 होने चाहिए, यहाँ पे 1 है, क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है एल शेल में ओनली, तो हम क्या कर सकते हैं, ये सीधा 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी को दे सकते हैं। तो वो आउटर शेल उसका एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा, बट इनर शेल तो उसका फिल है, तो वो स्टेबल महसूस करता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे चार है, क्या है, चार है, पहले एक बार हाइड्रोजन का समझा देता हूँ मैं, शेयरिंग बॉन्ड में समझा रहा था, कोवेलेंट बॉन्ड जिसे आप कहते हो। देखो इसके पास के शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो हमने दो हाइड्रोजन लिए, ठीक है। H2 मॉलिक्यूल का नाम सुना होगा, वो भी किससे बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से। अब इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे शेयर होता है, ये देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इन्हें स्टेबल होने के लिए एक एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करते हैं, आपस में शेयरिंग करते हैं, अपना इसे शेयर कर दिया और इसने अपना इसे शेयर कर दिया, ठीक है। ये 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं ना आपस में, दोनों हाइड्रोजन के बीच, तो इसी को कहते हैं शेयरिंग ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम्स, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, अब ये समझ गए नोबल गैस कैसे अटेंड होता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन दो तरीके से हो सकता है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी जो होती है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो कार्बन जो है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकता, उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि देखो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन होता है, और टोटल ऑक्टेट, ऑक्टेट आपने सुना होगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे जैसे कि आपने ऑक्टेट के नाम से पता चल रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसे अपना कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके पास है कितने, चार, और चार इसे और चाहिए, बाहर में 8 होते हैं तो चार है इसके पास, चार इसे और चाहिए, ठीक है। तो इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। बट होता क्या है, ये आयोनिक बॉन्ड इसीलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन किसी को अगर ये दे देंगे तो इनके पास कैसा चार्ज आ जाएगा, C+4, ठीक है। अच्छा एक चीज़ इससे पहले ये पता कर लीजिए कि जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है उसे क्या कहते हैं, कैटाइन। जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है उसे एनाइन कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अगर ये जैसे सभी एटम की तरह ये भी सोचे कि ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, अपने ट्रांसफर कर दे, किसी और ही को दे दे, जैसे ये इसका के शेल फुलफिल रहा है तो भी ये स्टेबल महसूस कर सकता था। लेकिन होता क्या एक्चुअल में, अगर ये 4 अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे, क्या 4 अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे तो होगा क्या, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन तो बचेंगे लेकिन इसके न्यूक्लियस पे क्या हो जाएगा, हैवी लोड चाहिए, मतलब हैवी एनर्जी चाहिए, किस चीज़ के लिए, अपने इस 4 इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने के लिए। एक साथ आप एक को विड्रॉ कर लोगे, दो को कर लोगे, चलो मान लेते बाई चांस तीन को भी कर लोगे, आप चार चार को कैसे करोगे, हैं, उसके लिए तो बहुत एनर्जी चाहिए ना, बहुत, ठीक है। तो इसीलिए ये नहीं हो सकता है कि जो कार्बन अपना 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे। ऐसे हम सोचते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन हम किसी से ले ही ले, शेयरिंग क्यों करें, शेयरिंग में कहते हो ना बाद में झंझट आती है, तो वो झंझट नहीं चाहिए कार्बन को भी, ठीक है। तो बट वो शेयरिंग अगर करेगा तो क्या होगा, अगर वो सॉरी शेयरिंग शेयरिंग से पहले वो क्या चाहेगा कि जो मैं किसी से ले लूँ प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन ले भी लेगा तो क्या होगा, क्या इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन तो हो जाएंगे, बट इसके न्यूक्लियस पे इतना लोड आ जाएगा, न्यूक्लियस जो कंटेन करता है क्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उस पे इतना लोड आ जाएगा, इतना लोड आ जाएगा कि जो वो इन 8 इलेक्ट्रॉन को नहीं झेल पाएगा। तो इसीलिए कार्बन जो है ना वो 4 इलेक्ट्रॉन अपने दे सकता है ना ले सकता है,
और इसी के चलते वो कौन सा बॉन्ड शो करता है, इसी को आयनिक बॉन्ड कहते हैं, मीन्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। जो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को ट्रांसफर कर देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो लेता है एटम उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो आयनिक बॉन्ड आपके चैप्टर में नहीं है, आपके चैप्टर में कार्बन और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मतलब कार्बन कौन से बॉन्ड से कंपाउंड बनाता है। तो कौन से बॉन्ड से बनाता है दोस्तों, कोवेलेंट बॉन्ड से। ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से, मैंने आपको बताया जैसे कि। ठीक है, किससे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से, फिर लिखा भी हुआ है द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन इन टू एटम्स आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। मैंने आपको बताया कैसे, जैसे हाइड्रोजन का हमने एग्जाम्पल लिया, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसे स्टेबल होने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है ना, क्यों, उसके पास के शेल है, के शेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो दो होते हैं, और दो होते हैं तो उसे एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो अपने एच एटम के साथ क्या करता है, शेयरिंग करता है। देखो कैसे करेगा शेयरिंग, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसे, शेयरिंग में ऐसे ये बन गया आपका H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये डॉटेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये डॉटेड स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये तो ऐसे ही है, शेयरिंग करके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। और कार्बन भी ऐसे, कार्बन टोटल कितने शेयरिंग कर सकते हैं, चार, क्या चार, चार इलेक्ट्रॉन है ना, तो चार बार शेयरिंग कर सकता है, तो इसीलिए उसकी वैलेंसी क्या है, चार। ठीक है, कार्बन के पास एक और प्रॉपर्टी है, उससे पहले हम ये टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, अब ये तो पता चल गया ना कि वो क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन से क्या फॉर्म्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के होंगे, तीन प्रकार के, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब इसमें अंतर क्या है, अंतर कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, एक पेयर शेयरिंग कर रहा है ना, है ना, तो ये क्या कहलाएगा, सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, बाय शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, एग्जाम्पल हाइड्रोजन, मतलब H2 मॉलिक्यूल ऐसे ही बनता है। ठीक है, अब डबल बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब शेयरिंग ऑफ टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड ट्रिपल बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसा कि मैं बुक में दिखा दूँ, टाइम ज़्यादा ना लगे, ठीक है, जल्द से जल्द आपका रिविजन हो जाए। ये देखो, शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, और दोनों का क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड की बात हो गई, डबल बॉन्ड, ये देखो ऑक्सीजन के पास टोटल कितने होते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है। चलो एक बार ये इसके इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं। ठीक है, ये के शेल है, ये एल शेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पर, तो टोटल 8 है। तो पहले शेल में क्या, दो भर दिया, कितने बचे, 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 आ गए। अब ये बताओ, इसे अपना बाहर के शेल में, टोटल एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो कितना, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, है 6 तो देगा नहीं, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो क्या कर सकता है, तो आयनिक बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो शो कर सकता है, वो कैसे, दो इलेक्ट्रॉन किसी से लेके, बट हमें अभी आयनिक बॉन्ड की बात नहीं करनी, कोवेलेंट बॉन्ड, तो बाय शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर कर ले तो क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे हमें बुक में दिखाया गया, आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ओ टू ऐसे ही फॉर्म होता है बाय शेयरिंग ऑफ टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन पेयर ये हो गया, वन पेयर ये हो गया, इसी को कहते हैं हम डबल बॉन्ड या फिर डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन की जो एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7 होता है, 7, तो आउटर मोस्ट में क्या होगा, पहले के शेल में कितना होगा, 2, एंड एल शेल में कितना होगा, 5, 5 to 7 हो गया। ठीक है, अब ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे, 3, है ना, क्या चाहिए, 3, उसकी वैलेंसी भी क्या होती है, 3।
ठीक है, तो वो 3-5 इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं सकता, नाइट्रोजन भी बहुत एनर्जी चाहिए, तो वो 3 या तो ले सकता है या फिर 3 पेयर ऑफ शेयरिंग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो वो क्या करता है, N2 मॉलिक्यूल ऐसे बनता है बाय शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, ठीक है, आ गया समझ। अब एक चीज क्या, अब आपके चैप्टर में ये दे रखा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, उससे पहले एक बार मैं आपको आपके एनसीईआरटी बुक से गो थ्रू करा दूँ। देखो कुछ नहीं है, बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवेलेंट बॉन्ड बता दिया, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया गया, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो ये बता चुका है कि C4-Anion लिखा हुआ है। दोस्तों मैंने एक एक वर्ड आपको क्लियरली समझाया है, मुझे नहीं लगता कि कुछ इसमें छूटा होगा। अगर कुछ छूटता भी है और आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप मैसेज कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है।